यूट्यूबर्स आपसे सवाल पूछते होंगे, आप मीटअप्स में जाते हो, तो किस तरीके के सवाल यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स के पास से आते हैं आपके लिए? बस सवाल वही है, सवाल वही है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कमाई नहीं हो रही, और कैसे ग्रो करें, क्या टिप्स हैं? और जवाब भी सबका सबका कॉमन है कि भाई पेशेंस रखो, करते रहो, हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि क्या मेरा, मैं जो यूट्यूब कर रहा हूँ, ये अर्निंग जो है मतलब यूट्यूब की, तो वो मेरा एक सेपरेट अकाउंट चलता है। मैंने यूट्यूब में आज तक एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया किसी भी तरीके से, डे वन से, और एक भी रुपया मैंने यूट्यूब की अर्निंग से बाहर भी निकाला। यूट्यूब के अलावा जो मेरा दूसरा काम है वो मेरा पर्सनल अकाउंट चलता है। यूट्यूब इज जस्ट लाइक कि मैं भाई बिजनेसमैन हूँ, तो मैं लॉस खाने के लिए इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करने वाला। स्टार्टिंग में जीरो से शुरू कहता था कि अगर ना चले तो ना चले, क्या फर्क पड़ गया, मतलब मैंने कुछ लगाया इसके अंदर, सिर्फ अपना टाइम लगाया। इसी तरीके से आज की डेट में जो मैं यूट्यूब से जितना भी अर्निंग वगैरह है, तो वो मैं वहां से कुछ निकालता भी नहीं हूँ, वो यूट्यूब के अंदर इन्वेस्ट होता है वापस। कुछ गिव अवे करना है, कुछ नया मान लो कैमरा खरीदना है, मैं कैमरा अपनी जेब से खरीद रहा, मैं इससे खरीद रहा हूँ, या इंडिया आके सारा ट्रैवल करना है, तो उसका काफी सपोर्ट इससे मिल गया, बाकी जो है वो मैंने अपनी जेब से लगा दिया, तो इस टाइप का काम चलता है। तो ये तो हो गया यूट्यूब की अर्निंग का मेरे लिए। लेकिन बहुत से लोग क्या ये देखते हैं कि अच्छा यार इतना कमा लूंगा, चार वीडियो आ जाएंगी, और अभी 15 साल का हूँ, 10th क्लास में हूँ, अभी नया नई बाइक चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, तो मतलब वो क्या करते हैं ना, एक पहले गोल सेट करते हैं और फिर उसके लिए यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब मान लिया कि ऑनलाइन अर्निंग का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ऐसा भी कोई तरीका नहीं है कि जिसमें गारंटी है कि आज शुरू किया तो 6 महीने के बाद में वो काम बने, मतलब आप एक लेवल पे आ ही जाओगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है तो होगा, वरना नहीं होगा। अब ऐसे में वही वाले सवाल होते हैं कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो भाई शुरुआत के अंदर मेरे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आने लगे अगर आप लगातार काम करोगे तो। और वही जवाब है कि भाई करते रहो, एक दिन तो आएगा। क्योंकि यूट्यूबर्स जो भी है अभी, मतलब यंग जो स्पेशली लोग है ना, वो बहुत बार भेड़ चाल के अंदर भी आ गए हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली किसी चीज को लाइक इंटरेस्ट अगर आपका है तो ही आओ, वरना को जैसे जबरदस्ती आके फायदा नहीं, आप खुद परेशान होगे, आपको सपने लेके आओगे, सपने आपके नहीं हो पाएंगे पूरे, तो फिर बाद में आपको बुरा लगेगा। इससे बढ़िया ये है कि आप जिस चीज में अच्छा कर रहे हो, क्या पता कुछ और करो। मतलब अभी आज मैं टेक वीडियोस बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी टेक वीडियोस बनाओ यूट्यूब पे, क्या पता आपको अच्छा नाचना आता है, अच्छा गाना आता है, अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी फैशन आता है, आपको अच्छे प्रैंक्स करना आता है, कुछ भी कर सकते हो, करो यूट्यूब पे, लेकिन एटलीस्ट वो करो जो आप अच्छे से कर सकते हो, उससे आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बजाय कि आप सिर्फ किसी को देख के कर लोगे तो वो तो एक अलग बात है। दुबई में रह के इंडिया की इतनी इतनी मतलब खबर आप कैसे रख पाते हो? अरे यार इंडिया का तो क्या, अभी मैं आपको बताऊं कि ठीक है हूँ दुबई में, तो बिजनेस वगैरह चल रहा है वहाँ पे, जो भी है परिवार वगैरह सब ये सब कुछ है, लेकिन इंडिया से तो लिंक भाई पूरा पक्का पक्का है मेरा। इंडिया के चक्कर लगते रहते हैं वैसे 2-3 महीने में एक ना एक बार, और वहाँ पे ऑनलाइन अपना सारे अखबार वगैरह खोल खोल के पढ़ना, फेसबुक वगैरह चल रहा है, अच्छा लोकल अपडेट्स देखना कि अच्छा दोस्त है, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, तो मतलब वो तो मिल जाते हैं अपडेट्स वगैरह। और अब भी ज्यादा इसलिए क्योंकि अब तो क्या है कि चैनल के ऊपर ऑडियंस जो है वो लाइक कोर इंडियन ही है, तो अभी तो स्पेशली मुझे भी और देखना होता है कि अच्छा मतलब दुबई में कौन सा फोन लॉन्च हो रहा है वो मुझे मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन इंडिया में कौन सा हो रहा है वो मुझे मालूम रखना जरूरी है, तो वो चलता रहता है इंटरनेट वगैरह के ऊपर सारा। आज में दुनिया तो छोटी सी सिमट के रह गई है, दुबई में बैठ के इंडिया क्या पूरी, मतलब आप चांद बैठ के पूरी दुनिया का चाहे ले लो पता कर लो, तो वो तो एक लाइक चल ही रहा है बस। ये चीज है, दोस्त वगैरह से बात हो जाती है उनसे बोल के बस। अच्छा घर से कैसा रिस्पॉन्स आता है यूट्यूबर, मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए दुबई में, लोग बोलते होंगे मतलब? ऐसा नहीं है एक्चुअली, बताऊँ आपको तो मेरे फ्रेंड्स को नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर पे मालूम है कि मैं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, नंबर वन नंबर टू जो भी वो होता है नंबर से, उनको मालूम है वो सब चीज़ के बारे में। लेकिन अब भाई क्या इसके अंदर, मतलब मैं तो सेलिब्रिटी वाली मतलब ये आप सब लोग कह रहे हो भाई, इसलिए मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में भैया हम तो दोस्ती दोस्ती वाली बात है, और जो घर पे वगैरह वो सब लाइक भैया मैं तो जो कल था वही आज हूँ, मैं क्या बदल गया हूँ भाई, हाँ बस सिंपल है। हाँ ये मतलब वही शौकिया कर रहा हूँ कि यार ठीक है भाई तेरे को इंटरेस्ट है तू तू कर, मतलब स्टार्टिंग में था एक टाइम पे कि यार क्या है तू वीडियो बना रहा है, मतलब ना वीडियो बना रहा क्या, मतलब कि भाई रोज सुबह सुबह कैमरा लेके, मतलब क्या तू डाइवर्ट कर रहा है, हाँ मतलब मना कभी नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि मतलब ये किया हो कि नहीं भाई तू नहीं करेगा ये सब करके, मतलब भाई क्यों कर रहा है छोड़ना है क्या, क्या इससे तेरे को फायदा मिलेगा। अभी जब वो देखते हैं रिस्पांस जब बदले में कि अच्छा भाई इतनी बड़ी गैदरिंग जो है वो होती है, इतने सारे जो है वो लोग देख रहे हैं वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं। और अभी ऐसा भी होता है कि मतलब मैं अगर कभी थोड़ा जैसे घर पे आया मान लो थोड़ा ना वीडियो थका हुआ आया, तो फिर सामने से आता है कि अच्छा आज वीडियो नहीं बनाने किया, तो मतलब कब बना दिया क्या, मतलब वो एक अच्छा और फीडबैक आता ही आता है। और बाकी तो ऑल पूरा सपोर्ट है आपका घर परिवार से दोस्तों।